सांसद अनुराग ठाकुर ने नगर परिषद हमीरपुर के अंतर्गत भोटा चौक स्थित भारत सरकार की एकीकृत ऊर्जा विकास योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति एवं कैंपेक्स योजना के तहत 65,77,000 रुपए के विद्युतीकरण कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कैंपेक्स योजना के अंतर्गत भोटा चौक में पहले से स्थापित 100 केवीए बिजली उपकेंद्र का संवर्धन कर उसे 250 केवीए का बनाया गया है। इस पर 3,70,000 रुपए की राशि व्यय की गई है तथा इससे अब भोटा चौक तथा आसपास के क्षेत्रों के 396 घरों को लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार पंजीकृत ऊर्जा विकास योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत भोटा चौक में नई एलटी लाइन व घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध करवाने के कार्य का भी शुभारम्भ किया। इस अवसर पर 62,00,000 रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रों में बिजली की कम वोल्टेज समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा तथा सप्ताह में 24 घंटे उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य को इसी वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी सुनी तथा अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर, प्रदेश भाजपा सचिव विजयपाल सुहारू, एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष राजकुमारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिजली के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, आईपीडीएस और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ये दोनों नरेंद्र मोदी जी ने देश में हजारों करोड़ रूपए की योजना लेकर आए और इसमें करोड़ों रूपए के प्रावधान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी किए गए। मेरे जिला बिलासपुर, ऊना, देरा सब डिवीजन और हमीरपुर में करोड़ों रुपए की इसमें योजनाएं आई। मुझे खुशी है कि आज हमीरपुर में आईपीडीएस के अंतर्गत लगभग 48,33,000 रुपए की लागत से जो मीटर बदलने का काम है, 2,063 से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 15 किलोवाट से बड़ा यहाँ पर सौर ऊर्जा का पैनल और वो प्रोजेक्ट खड़ा किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में लगभग 14,52,000 रुपए का प्रोजेक्ट अलग से किया गया। कैपेक्स की योजना में जो 7,85,00,000 रुपए का है उसके आज उद्घाटन मैंने यहां पर किया है। इससे पूरे जिला हमीरपुर को बहुत लाभ मिलेगा और इन योजनाओं से जो बिजली के क्षेत्र में दिक्कतें आती थी उन समस्याओं से समाधान मिलेगा। पुरानी एलटी एचटी लाइन्स को बदला जाएगा, नए मीटर्स लगाए जाएंगे, नई एलटीएस की लाइनें लगाई जाएंगी। ये अपने आप में आजाद भारत के बाद एक बड़ी सुविधा दी गई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दी गई।